नमस्कार प्रणाम आदाब गोड़दागतानी भोजपुरिया जहान हम रवि किशन शुक्ल जौनपुर तहसील केराकत स्वागत करतानी सुर संग्राम के सबसे बड़ संग्राम में जगर नाम बाटे सुर संग्राम तृतीय जोरदार ताली के साथ स्वागत करी भोजपुरिया संगीत के अद्भुत सुंदर आहा का लगत आड़ू गली गली में जिनकर चर्चा बाटे हो सब लोग पगला गए वाड़न अद्भुत हस्ती मालिनी अवस्थी और भोजपुरिया दिल से आहा जय हो कल्पना जी दिन ब दिन जैसे सुर संग्राम चढ़ाता वैसे खूबसूरती चढ़ाता एगो जोरदार ताली भोजपुरियन का अखियन के सपना कल्पना जय हो अगर जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ तीनों सेना के सरदार लोगन के जय हो आप लोगन के बाबू यूपी के शान सरदार मोहन राठौड़ बिहार की आन आलोक कुमार और झारखंड की जान सरदार ममता राउत वाह 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 और तीनों राज्य के सुर के योद्धा लोगन के स्वागत बा वाह 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 जय हो स्वागत कैल जाओ परिवार ऑडियंस के जे तीनों सेना के हौसला बढ़ा रहल बा एगो जोरदार ताली आज बात चुनौती अपन पसंदीदा गायक के गाने की हो भैया ये लोग अपने टेरिटरी में खेलियन जेकरा के लोग पसंद करत अड़न बचपन से लइकापन से उ जनाब का गाना गा सकन कोई भी गायक हो सके क्योंकि हर गायक के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत होला मालिनी जी बनब हमना कल्पना जी बनब शारदा जी बनब भरत शर्मा जी बनब सब लोगन के जीवन में एक और अद्भुत नाम बाटे जिनकरा के हम मंच पे लिया उनका नाम ला लेब काहे कि वो भी सब लोगन के एगो प्रेरणा स्रोत बारन आज हमनी लोगन के संगे आयल हन ला बता देते ही नाम एगो खास मेहमान भोजपुरी संगीत के एगो ऐसन पर्सनालिटी जिनकर जीवन माटी और माटी के संगीत से समर्पित बा पूरा जीवन दे देलन सरल भाव स्वभाव एकदम सशक्त सुर और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी गायकन खातिर एगो अनूठी मिसाल वाड़न जी हाँ और उनका नाम बाटे गोपाल राय जी एगो जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ अरे दुनिया के रंग मंच पर दुनिया के रंग मंच पर सब के दुखिया दुख के जेदता के हो चाचा भाई बन के प्यार मोहब्बत बांटता हित मित के पहिरी मुखोटा केहू कर दान का झूठ कही तो ननक जाई झूठ कही तो ननक जाई अरे पाप बढ़ना भैया बा कलयुग में सबसे बड़का कलयुग में सबसे बड़का का छाप रुपया बाला कलयुग में सबसे बड़का का छाप रुपया बाला कलयुग में सबसे बड़का झूठ का गीत नर के जाई झूठ का गीत नर के जाई पाप मरना भैया बाला कलयुग में सबसे बड़का कलयुग में सबसे बड़का रुपया बा कलयुग में सबसे बड़का बाकी छाप रुपया बा कलयुग में सबसे बड़का रुपये चाची
में सबसे बड़का चाप रुपया कलयुग में सबसे बड़का चाप रुपया कलयुग में सबसे बड़का गादी चाप रुपया कलयुग में सबसे बड़का गादी चाप रुपया कलयुग में स्वागत बाटे आप स्वागत भैया जय महादेव आपके ऐसुर संग्राम तहल का मचल है पूरा खाली भारत में ना बल्कि विदेश में भी और जो ना सुर संग्राम में रउआस दिलदार होके मालिनी जी अस फनकार होके कल्पना जी अस कलाकार होके ऐसा ऐसा योद्धा होके कलाकार बढ़िया बढ़िया वो सुर संग्राम के कहे के कहवाया जय हो जय हो। ये देखा इनका पहले जो शब्द का हम इस्तेमाल के ले रहे की के आवत अड़न आज मंच पे साक्षात प्रकट हो गई आप। जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो हमार भोजपुरिया जहान जी ऐसन लाल के पाके और सब लोगन की कितना कुछ दे देला और कितना दे डाला। एगो नाम बन गई आपके नाम के साथ शुरू हो लगाई की आपके विधा आपके नाम के साथ ब्रांडेड हो गई। जय हो आप, जय हो। और आज बड़ा हमनी लोगन का भाग्य बाटे कि आज न्यायमंडल के बिचल का जो कुर्सी देखताड़ा वो आपके आज भेंट हुई, तो आप अपन कुर्सी पे भी राजे बाबा। जय हो, धन्यवाद। न्यायमंडल हम आपसे पूछे के चाहब कि आपके गायकी के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत के रहलन, तो मालिनी जी से शुरू करब हम। मालिनी जी, रवि जी, हर कलाकार के लिए कहीं ना कहीं पे कोई चीज कहीं ना कहीं जमीन तैयार होती है। किसी एक व्यक्ति को मैं कह ही नहीं सकती कि कोई एक कलाकार की प्रेरणा रही हो। सबसे पहले ईमानदारी की बात है कि ताई जी लोग, हमारी चाचियां ताई जी लोग घर में गाती थी और एक से एक बढ़ करके ब्याह के गीत, शादी का गीत, जनेऊ के गीत, जब भी कोई गौनाई हुई तो मैंने खुद घर में देखा कि मेरी उनकी बेटियां, मेरी बड़ी बहन, हम वो सब नहीं बैठती थी लेकिन मैं 6-7 साल की थी, ताई जी लोग के साथ बैठती थी। उसके बाद स्वनाम धन्य, जिनकर नाम से बनारस आज धन्य हो गए, हमार आदर्श, हमार गुरु गिरिजा देवी जी बन, उनकरा से हम ढेर विधा सीख ली। और ये बात बहुत आज बतावे में हमके आनंद मिलेला कि ठुमरी दादरा के साथे साथ वो हमके मुबारकबादी सीख लेनी, हमके सेहरा सीख लौनी, हमके बनना शहाना हमके सिखलौनी कि देखा बाकी सब कलाकार निकरा के ना गई, सब जाकर ठुमरी दादरा गए, लेकिन त्योहार जौन विधा बाटे तो जौन जौन चीज हमके हम सब अपन देख कर ऑब्जर्व करके गुरु लोगन से सीखनी है तू ओकरा के सीखा और गा। धन्यवाद मालिनी जी, के इतिहास यही बहाने निकल गए थोड़ा। अब हम न्यायमंडल से इजाजत चाहब का हम ई अद्भुत युद्ध की शुरुआत करी, सुर के युद्ध की। जय हो, जय हो। का ममता, काहे तहार और आलोक का मुंह इतना झुरा गिल बा जब से अंशु आल बाड़न उत्तर प्रदेश? नहीं भैया, नहीं झुराया है, सिर्फ हमको ये दिखलाना है कि मेरे पिटारे में भी एक फन है जो कि यहाँ जब आएंगी या आएगा तो जितने यूपी और बिहार हैं एकदम डगमगा जाएगा। अच्छा, तो आज झारखंड से एक योद्धा के लिए उतारू? हाँ भैया, वो कब लाएंगे वो अभी नहीं बताएंगे, वो थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, खेला विपरीत होता। आलोक बाबू काहे झुरा गई लो? कहाँ भैया पूछने के भाई, जब लगी ना हमरा कि अब बिहार से आवे के चाही, अभी हमरा ऐसा कोनो टेंशन नहीं के काहे कि यूपी वाला के टेंशन हो गई। मोहन के देखा कहे हंसी छूटे, टेंशन हो गई इसलिए वो अपना जल्दीबाजी में अपना ले आइल बना, लेकिन जब हमरा लगी ना लाभक तो बाई, लेकिन जब हमरा लगी तब्बे हम लाए, अभी हमरा कोनो टेंशन नहीं के। आज जौन भी प्रतिभागी के परफॉर्मेंस न्यायमंडल के लगी सबसे ज्यादा बेहतरीन, योद्धा बन जी हैं परफॉर्मर ऑफ द डे। और योद्धा के मिली एगो विशेष उपहार, साथ ही साथ ऊ हो जई हन सेफ एलिमिनेशन से। तो पसंदीदा गायक के गाना के चुनौती के सामना करे खातिर कौन सेना के योद्धा सबसे पहले उतारी अपने मैदान में, बता हो? सबसे पहले भैया हम प्रणाम करता निरुआ के और बड़े भैया श्री गोपाल राय जी आयल बानी हमनी के मंच पे, बहुत अच्छा लगा था, हमारे फेवरेट बानी
पूरे भोजपुरी विधा में इनके गाना गा के हम सीखी ला भोजपुरी बोले भोजपुरी समझे भोजपुरी के मतलब जो एक को मतलब शब्द में भैया के मतलब जो सीख मिलेला हमके बहुत अच्छा लागेला कहीं भी जाइला तो सर उठा के अपना भोजपुरी के बारे में कुछ कहिला। आज हम भेजे जा तनी निर्गुण सम्राट जी के हमनी के मनले बानी जा श्री मदन राय जी उनकर गाना गावल उनकर फेवरेट मतलब भक्त बाने हमार दीपक भाई ओबरा के कोबरा जी। सोने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई। भैया हम मदन राय जी के गायकी के बहुत बड़का फैन बानी। बचपन से ही उनकरा के हम अपन आदर्श मानीला। उनकरा गावे के जोन तरीका बा ओकर बहुत बड़ा फैन बानी। उनकरे आवाज के हम बहुत बड़ा फैन बानी। आज हम उन्हीं के गावल गीत गावे जा रहल बानी और उनकर आशीर्वाद हमारे संगे रहे बस हम यही चाहब। सुर संग्राम भैया देखा तड़ा ई बाटे एकदम गवई लड़का आके आतंक मचाओ तड़ा पूरा देश के मंत्र मुक्त कह देना ई बाटे सुर संग्राम तृतीय और ई वाड़न योद्धा देख लेना मजा आए आ आलू पाव। पहला प्रस्तुत रहे ओबरा जी के कोबरा। देखो भाई तोहर गायकी तो शुरू से अच्छा बा और आज तू बता देला कि हम बिना खटका मुर्गी के भी हम गा सकी। दीपक आज आप बिल्कुल सीधा सीधा गा रहे थे सिर्फ आप जब आलाप लिए आलाप के बाद दीपक नजर आए। पगड़ी के इतरे सम्मान अपना बचैले रही है इतरे बहुत अच्छा गईला है और उभाव में गईला माहौल एकदम लास्ट में एकदम पूरा बन गईला मिजाज में गईला बहुत अच्छा लगल। बहुत बढ़िया न्याय मंडल के तरफ चलब ओकरा पहले हम चाहब एगो शेर ठोक द पूरे हिंदुस्तान खातिर एगो शायरी बहुत अद्भुत शायरी बोला न अर्ज है ना तू छत पे आती ना मैं दीवाना होता। ना तू छत पे आती ना मैं दीवाना होता और ना तू पत्थर मारती और ना मैं काना होता। आदाब है भैया गोपाल भैया का कहवा इनकरा गायकी खातिर। भाई दीपक जी मदन राय के आप मानीला छोटे से जैसन की बतौली आप मदन भैया के आवाज से मिलता जुलता आवाज भी आपके बाटे लाजवाब बहुत बढ़िया नौ नंबर कल्पना जी
आपने बहुत अच्छा गाया, सबने बोल ही दिया है। मेरे तरफ से 18 मालिनी जी। टी बाटक्स खालिस संगीत, सुरीला, दिव्य, सहज और यहाँ उतरे वाला। आइल जगाइल छुअल पहुंचल यहाँ आज ये गीत में पूरा महसूस करके पहले से एकदम बदले हुए तेवर में आज गौला हो। एक खाते तोरे बदे आज 20 में 20 हम दे। वाह मालिनी जी, कुल मिला के हो गई न्याय मंडल से जॉन इनक्रा के मार्किंग भेटाई 47। जिया बच्चा जिया, हो प्रेम से शंकर भगवान की जय। पहला परफॉर्मेंस से अंदाजा लग गई होगे कि आज सब के सब रंग जमाव के मूड में बाड़न। अपन पसंदीदा गायक के गाना के साथ अभी बाकी बाटे 6 और सुर के योद्धा के एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। के हुई सेफ और के फंसी लाल के जाल में हो, कहें कि आज चुनौती के रात बा, चलल जाओ बिहार के सरदार के पास आलोक। खेला विपरीत हो गई बा, यूपी का मरलिस भैया, उत्तर प्रदेश ऐसे उल्टी ऐसे कपारे चाहिए आप लोगन के, ये हम ना सोच ले रहे। केकरा के भेजा ताड़ा बिहार से भैया, हम ऊ योद्धा के भेज रहल बानी, काहे कि उस सुर के साधे वाली सुर साधी का मधुबनी जिला से कल्पना जी के गाना लेके आ रहल बानी सौम्या मिश्रा। कल्पना मैम असम की होकर इतनी धारदार तरीके से भोजपुरी गाने को प्रस्तुत कर रही हैं, खासकर उनकी गायकी का अंदाज मुझे बहुत ही पसंद है और मैं उनकी गायकी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस गाने को उनके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो उन्हीं का गाया हुआ गाना है, काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया। कोशिश करूँगी कि मैं कल्पना मैम को खुश कर सकूँ। बहुत आगे बढ़ा, बहुत आगे, बड़ी सुंदर लगा था अभी।
जैसन सुर सुंदर ऐसे तू सुंदर। मोहन बाबू का कहवा? अच्छा गौली है और शुरू से अच्छा गावत आवत अली यही तेरे गई पूजा एकदम आगे तक पहुँच सकी। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं हमें कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और अच्छे, बस सिर्फ महसूस करो, गाने को महसूस करो। जब स्टेज में हो, स्टेज के नीचे रहो तो ये सोचो कि मेरे जैसा खराब कोई नहीं है, और स्टेज के ऊपर जाओ मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है, ये सोचो। ठीक है, ऐसा कोनो बात नहीं लगे कि भाव में कमी लागल, बहुत अच्छा लागल हमरा एक स्टूडियो में गाना और खास करके एक क्लासिकल ढंग के गाना गाना, लाइव गाना बहुत ही बड़ी बात है सिंगर के लिए। लाइव गाना इतना अच्छा से बहुत बड़ी बात हमारा खातिर, कहीं हमरा से कोनो कमी ना दिखल, सुर लय ताल सब बढ़िया लगल। मालिनी जी बहुत अच्छा गाया है, सिर्फ कमी एहसास की, ममता की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, अदरवाइज नोट्स तैयारी आपकी कमाल की है। उस एहसास के लिए, क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा सा पार्शियल हूँ, और बाकी आपने गाना जिनका गाया बहुत अच्छा, उसका निर्णय वो स्वयं कर सकेंगी, मेरी ओर से आज 18। वह गायकी के जोड़ नहीं के, कहीं से कोनो कमी नहीं के, बस वे मिजाज चाहिए, मादकपन चाहिए जो कल्पना जी देले बनी, बाकी बहुत बढ़िया। साथ में इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती कि मेरा गीत है, मैं सिर्फ गाई हूँ। मैं पहले भी उनका नाम ले चुकी हूँ, मुरलीधर जी, जिनको मैं बहुत गुणी बहुत विद्वान मानती हूँ, मुरली जी को आज एक्चुअली ये गीत मैं समर्पित करती हूँ। ये आपका जो प्रस्तुति है, प्रोत्साहन के लिए मैं आपको फुल मार्क्स देती हूँ, 20 फिटाइल कल्पना जी से, मालिनी जी से 18, गोपाल भैया से 7, कुल मिला के हो गए 45। मुबारक हो, चुनौती के रात बहुत अच्छा आगाज खेलू। जिया गुड़िया, आगे बढ़।